चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की, भारत और समकालीन विश्व सेकंड के नाम से जो बुक है आपकी, इसी के बारे में बात कर रहे थे। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लें समय रहते हुए, क्योंकि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, पिछले ही क्लास में हम लोग बात कर चुके थे कि आखिर पढ़ना क्या क्या है हम लोगों को। आज बात करेंगे हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय देखेंगे, क्योंकि आपने देखिए देखा होगा कि औद्योगिक क्रांति भी हुई है तो यूरोप से ही शुरू हुई है। इसके बाद दूसरे अध्याय में लोग भारत के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, भारत के राष्ट्रवाद के बारे में। और वैसे भी आप समझ रहे होंगे परीक्षा के पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है, और आपने देखा है 2014 से जब से गवर्नमेंट बदली हुई भारत में, एक राष्ट्रवाद शब्द कुछ ज्यादा ही विचलित हो गया, चर्चा में बना रहता है जब भी आप लोग देखते हैं। तो एक सामान्य अगर परिभाषा आप लोग राष्ट्रवाद की दें तो यही कह सकते हैं आप लोग कि कोई ऐसे तत्व जो एकता में बांधे रहे पूरे राष्ट्र की जनसंख्या को, राष्ट्र में जो भी रह रहे हो, और केंद्र में क्या हो, राष्ट्र, जैसे हमारा भारत है। तो आप देखते हैं कि संविधान हमारे भारत की मतलब सभी लोगों को बांधे हुए है, और हम लोग सबसे ज्यादा महत्व किसे देते हैं, संविधान। आप फिर चाहे दक्षिण भारत में चले जाइए, फिर चाहे आप उत्तर भारत में या पश्चिम भारत में या पूर्वी भारत में, सब लोग संविधान को तो मानते हैं ना। धर्म अलग 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 है, समझ रहे हैं आप लोग, सबकी अलग अलग धर्म धर्म है, अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन कम से कम राष्ट्रीय ध्वज और संविधान से जुड़े हुए हैं। खैर छोड़िए, भारत के बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। 17वीं अगर शताब्दी में हम लोग बात करें राष्ट्र के बारे में, तो राष्ट्र शब्द का उस समय जनसंख्या में जो भी उस जनसंख्या राज्य में रहता था उन्हें ही राष्ट्रवाद राष्ट्र कह देते थे, चाहे उसमें एकता जाति एकता हो भी या ना हो। लेकिन 1772 में जब पोलैंड का विभाजन हुआ तो उसके बाद राष्ट्र काफी विचलित हुआ और इसका अर्थ देशभक्ति से लिया जाने लगा। फिर आपका 18वीं शताब्दी आती है तो उसके अंत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में इसका उदय हुआ। फिर आपने देखा 19वीं शताब्दी में राष्ट्र का अर्थ राजनीतिक स्वतंत्रता अथवा प्रभुसत्ता से लगाया ही गया, चाहे वह प्राप्त कर ली हो या वांछित हो। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, वो मैंने कई जगह से पढ़ा भी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यार आखिर आप लोगों को राष्ट्रवाद का मतलब बताऊं तो बताऊं क्या, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। आप किसी भी देश को देखिए, उसकी अलग परिभाषा है। आप पाकिस्तान को देख सकते हैं, उसकी राष्ट्रीय एकता का मतलब मूल आधार है धर्म, आप जानते हैं। हमारी राष्ट्रीय एकता का मेन मतलब स्तंभ कह सकते हैं आप लोग कि संविधान और राष्ट्रीय ध्वज, इस तरह की जो है। हिंदी को आप राष्ट्रीय भाषा भी नहीं कहते हैं, समझ में आए। एक समय आप सोचिए कि हो सकता है कि इंग्लिश हमारी सबको जोड़ ले, तो राष्ट्रीय एक ये भी आधार हो जाएगा राष्ट्रीय एकता का। इसमें अगर राष्ट्रीय राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्रवाद का सीमित अर्थ एक ऐसी एकता या फिर भावना या फिर सामान्य चेतना जो राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित रहती है। फिर से सुन लीजिए, राष्ट्रवाद का सीमित अर्थ एक ऐसी एकता की भावना या फिर सामान्य चेतना जो आपका राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित रहती है। राष्ट्रवाद उस ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्रतिपादन करता है जिसके द्वारा राष्ट्रीयता राजनीतिक एककों का रूप धारण कर लेती है। यह वह भावना है जिसे प्रेरित होकर वे लोग एक निश्चित और सशक्त राष्ट्रीयता का निर्माण करते हैं और संसार में अपने लिए विशिष्ट पहचान बनाना चाहते हैं। आप सोचिए कि हर देश के मतलब यही सोचेंगे, आप कहेंगे पाकिस्तान से आप लोगों को हमदर्दी है, नहीं ना, पाकिस्तान से आप लोग अपने आप को हमेशा उठाए रखेंगे, बाकी देशों से भी आपको अपने ही देश में ज्यादा प्यार होगा। आप लोग सबसे ज्यादा अपना ही अपने देश को चाहेंगे, अपने देश के बारे में सोचेंगे, समझ रहे हैं, यही तो राष्ट्रीयता है एक तरह से। आप कहेंगे कि अगर तुलना करने के लिए भी आ जाए तो चीन से भले हम लोग कई मामलों में पीछे हों, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अपने देश को प्रमुखता देंगे और हम अपने देश के ज्यादा मतलब कहेंगे कि हमारा देश आगे है, यही राष्ट्रवाद। इसके एक राष्ट्रवाद के कई रूप हो सकते हैं, जैसे जातीयता पर आधारित, जर्मन में राष्ट्रवाद का यही रूप विचलित है, जर्मन में जाति को संसार में शीर्ष स्थान दिलाना है। राज्य और संविधान के प्रति, संविधान जो है राज्य और संविधान के प्रति निष्ठा,
अमेरिका को देखेंगे, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद सामाजिक उद्देश्य और संविधान के प्रति निष्ठावान बने रहने की रूप में प्रयुक्त हुआ। ये भी आप अपने भारत में भी इस तरह की देखते हैं। विदेशियों के प्रभुत्व से आजादी, एशिया में हो फिर चाहे आपके अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी राष्ट्र हो, ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता को प्राप्त करना इनका उद्देश्य था। यही इनका राष्ट्रीय एक तरह से एकता कह सकते हैं आप लोग राष्ट्रवाद। आप देखते हैं कि 1857 से पहले आप लोग देखिए कि हमारे में देश में क्षेत्रीय बात था, यानी कि अलग अलग राजा बटे हुए थे अलग अलग क्षेत्र में। तो अंग्रेजों को मतलब सरलता से उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, राज करते रहे। लेकिन आप देखते हैं कि 1857 के बाद आप देखते हैं कि जुड़ना शुरू होता है, पर 1885 में एक बहुत बड़ी घटना घटती है, कांग्रेस की स्थापना होती है। एक मतलब ऐसा संगठन जो राष्ट्रीय संगठन था, मतलब देश को आजादी दिलाने का इसका मेन उद्देश्य था। उसके बाद आपने देखा है कि जुड़ते गए, सभी जुड़ते गए, उसके बाद सबका उद्देश्य सबका हित एक ही था लास्ट में कि हमें आजाद होना है। आप सोचिए कि जब तक हम लोग अलग अलग रहे तब तक हमें मतलब आजादी नहीं मिली। जब हम सभी लोगों को अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम जागा, जान देने तक कि मतलब हम लोगों ने 1% भी नहीं सोचा कि क्या होगा। आप समझ सकते हैं 13-14 साल की उम्र में भी लोगों ने अपनी बलिदान ही दे दी। तो यही तो एक तरह से राष्ट्रवाद है। आप देखेंगे कि धर्म के साथ देख लेते हैं, जैसे पाकिस्तान में देखते हैं मुस्लिम धर्म के साथ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रवाद देश के चहुंमुखी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक संस्कृति सांस्कृतिक उन्नति करने से भी राष्ट्रवाद इस तरह से होती है। ठीक है, अब हम मेन बात करते हैं राष्ट्रवाद पे, बहुत बात कर चुके हैं। भारत के बारे में हम लोग आगे बहुत विस्तार से बात करेंगे। यूरोप में चलते हैं, आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये पिक्चर्स आपको दिख रही होगी। फेडरिक सोरियो, विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848 में हुई थी। इस चित्र को आप लोग देख लीजिए बड़े ध्यान से, एक एक महिलाएं और एक स्वतंत्रता का एक वृक्ष पकड़े हुए हाथ में। ये आप देख रहे होंगे ईसा मसीह, बाकी लोगों को देखिए आप लोग आसमान में, ये आप देख रहे होंगे जनता, सभी एक लामबंद। देखिए 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फेडरिक सोरियो ने चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला की पहली चित्र यानी कि चित्र नंबर एक, इसे ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है। आगे इसमें विस्तार किए मैं यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाई दिए गए, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। देखिए इस तरह जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लगा कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान करते थे। यहां भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं जो उसके हाथ एक हाथ में और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। ये महिला की फोटो है, याद रखिए। और वैसे भी आप जानते हैं कि महिलाओं को इसलिए स्वतंत्रता का के रूप में माना जाता है क्योंकि उन्हें उस समय देखा है आपने कि वोट देने का भी अधिकार नहीं था, उनकी स्थिति कितनी भयानक थी उस पर भी आप लोग देखते रहते हैं। तो आप एक देश को मतलब आप लोग इसी से स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं कि अगर वहां की महिलाओं की स्थिति को देखते हुए, ठीक है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए, ये आप देख रहे होंगे। निरंकुश का मतलब यही होता है कि किसी का उस पर अंकुश ना हो। पहले आप राजा महाराजा देखा करते थे, उन पर किसी का अंकुश नहीं हुआ करता था। वो अपने मतलब के लिए कितने भी लोगों को जान ले 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 लिया करते थे, कुछ भी करते रहते थे, उन पर किसी का मतलब हस्तक्षेप ही नहीं कर सकता था। सोरेव के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बंटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, इसकी बात की जा रही है, देख रहे हैं। और जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, ये बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके पीछे जर्मन के लोग हैं जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं, एक, ठीक है। और यह दिलचस्प है कि जिस समय सोरियो ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा
नहीं बने थे। जो झंडा भी थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस के लोग थे। ऊपर स्वर्ग में से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। एक बात और आप लोग हमेशा याद रखिए, देखिए राष्ट्रवाद अलग अलग देशों के संदर्भ में अलग अलग तरह से हो सकता है। मैंने बताया ना कि पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद की उत्पत्ति दिखाई देती है। आप सोचिए हमारे भारत में अलग बात है, हमारे यहाँ देखते हैं कई धर्म के लोग रहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कम से कम संविधान सबको जोड़े रखे हुए है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो जोड़े रखे हुए है। वरना इतनी आप सोचिए मुस्लिम रहते हैं, हिंदू रहते हैं, ईसाई रहते हैं या जैन बौद्ध, ये अगर इनकी भावनाएं अलग अलग हो जाए, इन्हें एक साथ जोड़ा ना रखा जाए तो हमारे देश के कई टुकड़े हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग। तो सबको एक संविधान में तो भरोसा रहता है, इसीलिए तो हम सभी जुड़े हुए हैं और अपनी मातृभूमि से प्यार भी करते हैं। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सोरेयो ने चित्त एक में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों ने अंततः यूरोप के बहु राष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या फिर विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया। एक शब्द आप लोग और सुनते रहते हैं, क्षेत्रीयवाद। क्षेत्रीयवाद का ये मतलब रहता है कि क्षेत्रीयवाद देखते थे कि अपने क्षेत्र के प्रति लगाव रहता था, वहां की जनता, राजा, सबको, ठीक है। और एक शब्द आप लोगों ने और देखा होगा, क्षेत्रीय पार्टी कह देते हैं, राष्ट्रीय पार्टी अपने देश में भी देखते रहते हैं। क्षेत्रीय पार्टी का मतलब होता है कि उनके क्षेत्रीय हित प्रमुख रहते हैं, उन्हें राष्ट्रीय हितों से ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता है। इसके शब्द में ही पूरी परिभाषा छिपी हुई है, बस आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, निरंकुशवाद। निरंकुशवाद का मतलब होता है ऐसी सरकार या फिर शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, यानी कि बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीय सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। चीन को आप कह सकते हैं, चीन के जो राष्ट्रपति साहब है उन्हें निरंकुश शासक कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपने देखा होगा वहां ना तो मीडिया की स्वतंत्रता है, अगर कोई बोलता है, कोई धरना प्रदर्शन करता है तो वो तुरंत दमन कर सकते हैं उसका। एक आप नाम सुनते हैं कल्पना दर्श, यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। आप सोच लेते हैं कोई बात की, कई बार आप सुनते हैं कि कोई भी ऐसा शब्द आपने सोचा है, ऐसी कल्पना की है जो संभव भी ना हो, उसे ही आप लोग यूटोपिया कह देते हैं। अब चांद तक जाना, चांद तारे तोड़ लाना, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये कल्पना है, ये संभव नहीं है। आप समझ सकते हैं कि तोड़ लाए आप चांद, तोड़ के दे दें किसी को, ये मतलब एक तरह से आप बड़ा चढ़ा के कहने के लिए शब्द यूज करते हैं। आप रात दो रातों आप सोचें कि हम कुछ ऐसा कर बैठे जो संभव ही ना हो, तो उसके बारे में भी, ठीक है। फिर आपका अर्नेस्ट रेनन ने भी राष्ट्र क्या है इसकी परिभाषा दी है, तो इनके बारे में बहुत अच्छे पॉइंट दिया गया है। फ्रांसीसी दार्शनिक थे अर्नेस्ट रेनन, इनका जीवन काल रहा है 1823 से 1892 तक। इन्होंने 1882 में सॉर्बोन विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को विस्तृत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। कहना का मतलब है कि देखिए शुरू में इस तरह की भावनाएं थी, इस तरह के तथ्य गढ़े जा रहे थे कि जहां एक लोग
जहाँ के लोग एक भाषा बोलते हो उसे राष्ट्रवाद राष्ट्र कहते हैं। कहा जाता था कि एक नस्ल के लोग जहाँ हो उसे राष्ट्रवाद कह सकते हैं, धर्म हो एक धर्म हो उसे राष्ट्रवाद कह सकते हैं, राष्ट्र कह सकते हैं। लेकिन ये मतलब आप समझिए कि इस परिभाषा को आगे बढ़ के पूरा मतलब पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। आप सोचिए कि जैसे ठीक है कई देशों के संदर्भ में इसे आप देख सकते हैं, लेकिन भारत को आप देख लीजिए, यहाँ दक्षिण भारत में अलग भाषा बोली जाती है, आप देखेंगे कि दक्षिण में अलग धर्म माना जा रहा है, कहीं अलग धर्म माना जा रहा है, समझ रहे हैं? एक देश के संदर्भ में हो सकता है, लेकिन इससे आगे भी परिभाषा एक विस्तृत व्याख्या है। एक राष्ट्र लंबे सब प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। इसे आप अपने भारत के बारे में देख सकते हैं। सौर वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम, गांधी को ले लीजिए आप लोग, जवाहरलाल नेहरू, फिर चाहे आप लोग देख सकते हैं विवेकानंद साहब, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सबको देख सकते हैं। और गौरव यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी बात शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है और उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं, प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्रों का अस्तित्व होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। इसे आप उस समय से समझ सकते हैं कि राजाओं से आप अपने देखा होगा कि राजाओं का जब अधिकार हुआ करता था तो ना तो यहाँ के लोगों की स्वतंत्रता की कोई बात होती थी। आपको फिर चाहे अंग्रेजों के समय आप लिख सकते हैं कि आपके यहाँ तक रोक दिया गया था कि आपके यहाँ जो भी खेती होगी उस पर नील की खेती करनी है, अंग्रेज जो बोलेंगे वही काम करना है। तो आप समझ सकते हैं 1947 के बाद आपके देश में बहुत हद तक आपको आजादी दे दी गई है, आपको अधिकार दे दिए गए, आपको सब कुछ दे दिया गया। अब उसका आप उपयोग कर रहे हैं या नहीं, आप देखते हैं कि अन्ना साहब ने इतनी मेहनत की, इतने धरने प्रदर्शन किए, तब जाकर आपने देखा सूचना का अधिकार मिला हुआ है, लोकपाल मिला हुआ है, लेकिन आप उसे उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, समझ रहे हैं? नए शब्द की बात करें तो जनमत संग्रह, ये शब्द आप कई जगह भी सुनते हैं। एक अप्रत्यक्ष एक सॉरी एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों ने से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में अभी बात उठ रही थी, जम्मू कश्मीर में एक जनमत संग्रह करवाना चाहिए था, वहां की जनता से पूछना तो चाहिए था कि 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए, समझ रहे हैं? यही बात आपने देखा है कि जब जूनागढ़ को शामिल किया गया, एक रियासत थी हमारी, आपने देखा 1947 में, तो जूनागढ़, हैदराबाद और आपका कश्मीर बचा हुआ था, बाकी रियासतें अपने आप अच्छे से हमारे देश में शामिल हो गई थी। जूनागढ़ को हमने देखा कि वहां का जो शासक था वो मुस्लिम था और अधिकतर जनसंख्या वहां हिंदू थी। तो वहां मतलब आपने देखा है कि हिंदू जो जनसंख्या थी, तो राजा चाह रहा था, शासक चाह रहा था कि पाकिस्तान में सम्मिलित हो, लेकिन वहां की जनता क्या चाह रही थी कि भारत में सम्मिलित हो। तो हम लोगों ने एक जनमत संग्रह करवा के हमारे भारत में सम्मिलित कर लिया। आप भी देखते हैं, गांव में भी देखते हैं आप लोग कि गांव वाला मतलब कोई काम करवाया जा रहा, वहां सभी से पूछा जाता है कि एक काम करवाना चाहिए या नहीं। यही जनमत संग्रह है, यानी कि सबकी इच्छा लेनी चाहिए, सबके से पूछ लेना चाहिए, ठीक है? और एक खास वर्ग अगर आपके साथ है तो आप उस काम को कर सकते हैं, यही एक तरह से जनमत संग्रह हो जाता है। अब हम चलते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार देखते हैं। राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा आप हकीकत में देखेंगे तो फ्रांस से ही उत्पत्ति हुई है और फ्रांसीसी क्रांति को ही इसका जनक कहा जाता है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। याद रखिए, इस तरह के पॉइंट भी आपको याद रख लेना है क्योंकि आपके वनडे एग्जाम में कभी भी पूछ लेता है, कई जगह प्रीलिम्स में भी आपका कई बार क्वेश्चन बन चुका हो, इस तरह के पूछ लेंगे आपसे। 1789 में एक फ्रांसीसी क्रांति हुई।
जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संविधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के जनसमूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे उसकी नीति तय करेंगे। सीधा सा कहने का मतलब है कि पहले एक राजा के पास पूरा सत्ता हुआ करता था और वो किसी का मतलब उस पर अधिकार नहीं था कि उसके मतलब वो छूट मिली हुई थी, वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता था। उसे निकालकर फ्रांसीसी क्रांति के बाद जनता के हाथों में दे दिया। अब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाने लगे, वही उस देश की नीति का तय करने लगे। और जनता की बात तब की जाती है कि जनता शामिल है आपके निर्णय नीतियों में। आपने देखा आपके देश में, देखिए जनता डायरेक्ट नियम जो भी आपके यहाँ अधिनियम बनाए जाते हैं या कानून बनाए जाते हैं उसमें सम्मिलित नहीं होती है। वो क्या करती है, विधायक चुन लेती है, सांसद चुनती है, आप देखते हैं कि लोकसभा सदस्य चुन लेती है, तो वो डायरेक्ट नहीं वहां जाके कानून बनाती है, लेकिन इनडायरेक्ट उसी की इच्छाओं के मतलब इच्छाओं से ही एक तरह से आप कह सकते हैं कानून बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने देखा हो कि जनता के खिलाफ ऐसा कोई कानून बना दिया हो जो जनता नहीं चाह रही हो, तो आप समझिए विद्रोह हो जाएगा, हो जाएगा। यही है, प्रारंभ में से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। और यहीं से आप सोचिए राष्ट्रवाद, राष्ट्र की उत्पत्ति होती है, यानी एक सभी समूह को एक साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली, और ई स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूहों द्वारा किया जाने लगा। उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। पहले इसे क्या कहते थे, इसे नेशनल असेंबली कर दिया गया इसका, ठीक है। और नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, या शपथ आप जानते हैं कि जब कोई चुना जाता है उसके बाद शपथ लेता है। शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए और भार तथा नापने का एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाने जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। आप देखिए कि यहाँ फ्रेंच में, यानी कि जो फ्रांस में रहते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं सभी लोग, लेकिन हमारे देश में देखते हैं आप लोग हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा है कि जब राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात आती है तो दक्षिणी जो राज्य हैं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ये सभी विरोध करने लगते हैं। तो अभी आप देखते हैं कि हिंदी इंग्लिश इस तरह से यूज की जाती है, कोई हमारे यहाँ राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो यहाँ के जो छात्र थे वो शिक्षित वर्ग था, मध्यम वर्गों के अन्य सदस्य जेकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुस गई। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। एक बात और आपको बताऊं, आप सोचिए कि हमारे देश में एकाएक राष्ट्र मतलब आजादी नहीं मिल गई है। हम लोगों ने देखा कि अमेरिका किस तरह से आजाद हो चुका है, उसमें के बाद आपने देखा है कि किस तरह से जापान चीन को हरा देता है, आपने देखा छोटे छोटे राज्य भी इकट्ठे होके मतलब किसी भी देश को पराजित कर देते हैं। तब हम में भी ये चेतना जागी, हम में लोगों में भी एकता की भाव पैदा हुए, तब जाके हम लोग इकट्ठे हुए। तो यही कारण हुआ कि फ्रांस में देखा कि किस तरह से इस तरह की घटनाएं घट रही, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हो रही है, राष्ट्र की बन रहा है, तो बाकी जो यूरोप के देश थे वहां भी इस तरह की खबर पहुंचने लगी। समझे, नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस
फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट नष्ट किया, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जानते हैं आप लोग, ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। ये नहीं कह सकते हम लोग कि कोई अगर राजतंत्र खत्म, मतलब आप सोचिए कि लोकतंत्र खत्म करके अगर कोई राजा आता है तो वहां राष्ट्रवाद नहीं कह सकते, उसे राष्ट्र नहीं कह सकते, कह सकते हैं बिल्कुल, बस उसे जोड़ने की बात की जानी चाहिए। ठीक है, हमारे देश में अभी आप सोचिए कोई ऐसा प्रधानमंत्री आए जो मतलब सभी धर्मों को जोड़ ले, सभी मतलब पक्षों को जोड़ ले, सभी समुदाय को जोड़ ले, कोई ऐसी एक मतलब ऐसे सुधार करे कि पूरा देश उसमें मतलब जुड़ जाए, पूरा देश उसकी सहायता करे, समझ रहे हैं? तो इसे भी तो आप लोग राष्ट्रवाद कह सकते हैं। और उस व्यक्ति ने मतलब कोई आपके अधिकारों का हनन भी नहीं किया है, तो यही क्या नेपोलियन ने क्या किया कि यहाँ जो विशेष अधिकार मिले हुए थे जन्म के आधार पर, जन्म के अधिकार आधार पर जन्म अधिकार कह देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप एक कुल में पैदा हो रहे हैं किसी में, तो आपको जन्म से ही अधिकार दे दिए जाएंगे, समझ रहे हैं? तो उन्हें खत्म कर दिया गया है और कानून के समक्ष सबको बराबरी। पहले आप देखते थे कि किसी को छोड़ दिया जाता था, किसी को कानून के तहत मतलब सजा मिलती थी, लेकिन इसे कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया, यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी संपत्ति आपकी है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ठीक है, आप जानते हैं हमारे देश में भी आपने देखा है संपत्ति का अधिकार हुआ करता था शुरू में, लेकिन आपने देखा 1948 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया संविधान मौलिक अधिकारों में से, और आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में बन चुका है, तो अच्छे से ध्यान रखिए, संविधान में वैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऐसे। तो ये तीन कार्य इसने अच्छे किए नेपोलियन ने, इसके कारण भी जनता एक लामबंद हो गई। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के शहरी संघों के नियंत्रण को हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आजादी चखी। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादकों उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून मानक भार और नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत भी होगी। और इसने एक काम और किया, अभी जो आप देखते थे कि अलग अलग क्षेत्रों में मानक होते थे तौलने के, अलग अलग आप कह सकते हैं बांट हुआ करते थे, नापने के अलग अलग, मतलब आप सोचिए कि आपके यहाँ फीते से माप रहे हैं, दूसरी जगह दूसरा फीता था, समझ रहे? एक निश्चित नहीं था कि ऐसा नहीं है कि हम लोग भारत में वही यूज कर रहे हैं, दूसरे देश में जाएंगे तो वही वैसा ही यूज होगा। मान सकते हैं आप लोग कि 1 किलो, आप समझिए कि 1 किलो हम लोग कोई सामान खरीद रहे हैं, तो हो सकता है 1 किलो हमारे यहाँ मतलब 1000 ग्राम का हो, दूसरे देशों में जाए तो 1500 ग्राम का हो या फिर 500 ग्राम का हो, इस तरह के भेदभाव होते। तो नेपोलियन ने इन्हें भी खत्म किया और अलग अलग मुद्रा की बात की गई तो उसे भी खत्म करके एक सेम मतलब कॉमन मुद्रा जारी की गई। आप अपने ही देश में देख सकते हैं कि अगर हमारे देश में रुपया की जगह दक्षिण भारतीय भारतीय राज्यों की अलग मुद्रा होती, तो जब कभी भी दक्षिण भारतीय राज्य के लोग हमारे दिल्ली आते या बाकी किसी राज्य में घूमने जाते तो उन्हें बड़ी परेशानी होती, समझ रहे हैं आप लोग, कि उनकी मुद्रा वहां चलती नहीं। तो इसने क्या किया कि एक कॉमन मुद्रा भी, राष्ट्रीय मुद्रा भी लॉन्च की। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दिखी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वॉर्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह सीधी दुश्मनी में बदल गया। जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। यहाँ कुछ आपको चित्र दिख रहा होगा, ऊपर भी एक चित्र था।
इसे देख रहे होंगे आप लोग, चित्र दो है ये, ठीक है, एक जर्मन पंचांग है या तिथि पत्र भी कह सकते हैं, ये दिख रही है, देख लीजिए अच्छे से। इसके मुख पृष्ठ जिसे पत्रकार एंडियास रेवनान ने 1798 में डिजाइन किया, फ्रेंच बास्टील में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उसने मिलते जुलते किले की बगल में बनाया है, दिख रहा है आपको ये, ठीक है। और यह किला जर्मन प्रांत केसेल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है। इस चित्र के साथ एक नारा भी दिया गया है, लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेवनान एक पत्रकार था जो मैं नामक शहर में रहता था, वह जर्मन जेकोबिन गुट का सदस्य भी था, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ ये अधिकार लिखा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे यूरोप, बेना कांग्रेस 1815 के बाद का यूरोप है, ठीक है। याद रखिए कुछ अभी करंट, अगर हम यूरोप की बात करें तो कुछ ऐसे देश हैं कि जो यूरोप में भी शामिल है और एशिया में भी शामिल है, रूस को देख सकते हैं आप लोग, तुर्की को भी देख सकते हैं, लेकिन ये 1800 आपका 15 का के बाद का यूरोप है। नॉर्वे देख रहे हैं आप, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स, इंग्लैंड, फ्रांस जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, पूरी फ्रांस क्रांति ये है, फ्रांस, नीदरलैंड, प्रसा, पोलैंड, डेनमार्क, हबोर, स्विट्जरलैंड, लघु राज्य, अब इनके नाम बदल दिए गए हैं, ये पुराने नाम है, स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिस, ये भूमध्य सागर लगा हुआ है, फिलिस्तीन, मिस्र, साइप्रस, सीरिया, मेसोपोटामिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया, सर्बिया, हंगरी, रोमानिया, ठीक है, देखते रहिएगा अच्छे से। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, वहां से अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। इस चित्र को भी आप देख रहे होंगे, बड़े ध्यान से देखिए, जेवे जेवे ब्रेकेन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण, ये आपको वृक्ष दिख रहा है स्वतंत्रता का। जर्मन चित्रकार कार्ल केस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाया गया इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा जेवे ब्रेकेन शहर पर कब्जा। अपनी नीली सफेद और लाल पोशाक से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो एक किसान की गाड़ी बाएं छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं, ये देख रहे होंगे आपको, और बीच का अखबार और किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन भाषा में लिखा हुआ है कि उनका अनुवाद है, हमसे आजादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। इस चित्र को भी आप देख रहे होंगे, राइनलैंड का डाकिया लाइव सिग्न से आते हुए सब कुछ गवा देता है। यहां नेपोलियन को 1813 में लाई तिस्से की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया। उसके झोले से गिरती हर चिट्ठी पर उस भूभागों के नाम लिखे जिन्हें अब वो हार चुका था। याद रखिए क्या होता है कि शुरू में कोई भी सुधार होता है तो हमें अच्छा लगता है, आप समझ रहे हैं, लेकिन बाद में उसमें खामियां दिखाने लगती हैं, तो उसके बाद यही हुआ नेपोलियन के साथ भी कि शुरू में इसने जो भी किया वो बहुत अच्छा लगा और सब लोग इकट्ठे हुए, लेकिन बाद में ज्यादा दिन तक इस तरह की सुधार नहीं चल पाए, लोगों को कमियां दिखने लगी, ठीक है। अब आते हम लोग फ्रांस में, हम लोगों ने देख लिया फ्रांस यूरोप का ही देश था, उसके बाद देखा हमने कि फ्रांस से बाकी देशों में यूरोप में फैलने लगा, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण की बात करते हैं। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, वे तब राजशाहियों, डचियों, कैंटनों में बटे हुए थे जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। वे पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार भी नहीं मानते थे। अक्सर भी अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वालों वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़कर बना था। इसमें आप देखेंगे कि एलेप्स के
लेप्स्की, टिरोल, ऑस्टिया, सुडीटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और बेनिसिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आदि लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। और गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्लियोला में स्लो बेंस, दक्षिण में क्वेट, पूरब की तरफ ट्रांसिलेविनिया में रहने वाले रामन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल राष्ट्र के प्रति सबकी निष्ठा थी। और याद रखिए, आप समझिए कि हमारे ही देश को आप लोग ले लीजिए, मैं बार बार अपने ही देश का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हम लोग आज यूरोप कई देशों में देखेंगे हम लोग कि वहां की एक भाषा हो गई, या तो राष्ट्रवाद का रूप ले लिया उसने, या मतलब उन्हें जोड़ने का कोई और आधार ले लिया। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि उस समय वहां अलग अलग भाषा बोलने वाले रहते थे, अलग अलग काम करने वाले समूह रहते थे, फिर भी मतलब उन्हें एक ही विचार जोड़े रहता था, सबकी उस देश के प्रति निष्ठा। आज आप भारत में देख सकते हैं, यहाँ हमारे मुस्लिम भाई भी रह रहे हैं, हिंदू भाई भी रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, आप देखते हैं कि बुद्ध, जैन, फारसी भी रह रहते हैं, देख रहे हैं आप, सिख भी रह रहे हैं। ये लोग मतलब इनके धर्म अलग अलग है, कई क्षेत्र में आप देखेंगे संस्कृति अलग अलग है, भाषा भी देखेंगे कई क्षेत्रों में अलग अलग है, लेकिन इनकी निष्ठा किस में, संविधान में। हमारी भौगोलिक स्थिति मतलब धरती से हम लोग भूमि अपनी माता से प्यार करते हैं एक तरह से। एक बात और समझ सकते हैं कि आप कि फिर चाहे राष्ट्रीय झंडा हो गया, कम से कम हमें मतलब आप राष्ट्रीय गान का भी आदर करते हैं, हम सभी गाते हैं, समझ रहे हैं, मतलब कोई हमें तत्व तो होना चाहिए कि अलग अलग भाषा में भी है हम लोग, अलग अलग मतलब समूह भी है, तो भी तो कम से कम देश को एक वर्ग में रखे, एकता में जोड़ के रखे। तो एक माला को देख लीजिए, इसमें अलग अलग गुरी मतलब इसमें अलग अलग छल्ले हो, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, लेकिन कम से कम इन्हें जोड़ने के लिए एक कड़ी तो होना चाहिए, उसी कड़ी की बात की जा रही है। इनमें भी क्या था कि एक सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी, मतलब अलग अलग समूह था, इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन कम से कम सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा यही इसे जोड़े हुए थी। आप यहाँ देख रहे हैं कुछ तिथियां हैं, इन्हें भी याद रख सकते हैं। 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियन नेपोलियाई युद्धों का शुरुआत 1797 में। 1814 व 1815 में नेपोलियन का पतन और वियना संधि शांति संधि होती है। 1821 यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ। 1848 फ्रांस में क्रांति होती है, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों, किसानों की बगावत, मध्यवर्ग संविधान और पिती निधात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। और एक बात और हमेशा याद रखिए, कोई भी फ्रांस क्रांति हो या फिर किसी भी देश में क्रांति हो, कोई भी आंदोलन हो, तभी सक्सेस होता है जब सभी लोग मतलब वहां रहने वाले कोई भी जाति हो, निम्न जाति का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, उच्च जाति का हो, महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी एक होकर जब लड़ते हैं किसी भी मतलब आंदोलन करते हैं, किसी समस्या के प्रति लड़ते हैं, तो वो समस्या सॉल्व हो जाती है। भारत में आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने देखिए, आप लोग के देखते हैं 1885 के बाद हम लोग एक होते गए, हम लोगों के मतलब रास्ते अलग अलग थे लेकिन मंजिल एक ही थी। किसी ने हथियार के द्वारा स्वतंत्रता की बात की, किसी ने अहिंसा का रूप अपनाया, गांधी जी अहिंसावादी थे, आप देख सकते हैं भगत सिंह हिंसावादी थे, तो मतलब रास्ता तो सबका एक ही था ना कि हमें आजादी चाहिए। सब लोग समझ चुके थे, फिर चाहे मुस्लिम हो फिर चाहे कोई भी जात का हो, कि हमें मतलब सबका शोषण हो रहा है, तभी तो आप समझिए कि हमें आजादी मिली हुई है। उसके पहले क्यों नहीं मिल गई आजादी हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग बटे हुए थे, अलग अलग थे। कोई राजा अगर लड़ रहा है अंग्रेजों के खिलाफ तो आप देखते हैं कि कोई उनकी मदद कर रहा है। सिकंदर के समय आप देख सकते हैं प्राचीन भारत में, कि आपने देखा है कि सिकंदर जब आया तो सब मतलब फूटे हुए थे, भारत में सभी राज्य रजवाड़े थे, समझ रहे हो, उस समय। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने और कौटिल्य ने दिमाग लगाया तो उसने एक कर लिया, क्योंकि आसान था, सब देखिए आप फूटे फूटे हैं,
अलग अलग हैं, तो आप लोगों को तोड़ पाना बहुत सरल होता है। फिर आप लोगों ने एक कहानी भी तो सुनी होगी, एक बूढ़ा बाप था, उसके चार बेटे थे, उसने बुलाया सबको, उनमें बुराई थी, सभी लड़कों में बनती नहीं थी, तो उसने अलग अलग लकड़ी दी, सभी ने तोड़ दी। फिर आप कहते हैं कि गट्ठा बांध के उसने दिया, तोड़ने को बोला, किसी ने नहीं तोड़ पाया। उसके बाद बाप ने समझाया कि वो देखिए आप लोग अगर इकट्ठे रहेंगे तो ऐसे रहेंगे वैसे, समझ रहे हैं। तो यही बात है, 1859 से 1870 इटली का एकीकरण होता है, 1866 से 1871 जर्मनी का एकीकरण देखने को मिलता है, 1905 हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। याद रखिए, मैंने दो तीन दिन से मैं आप लोगों के कई लोगों के कमेंट भी आए हुए हैं कि इस बुक्स को कवर करिए, लेकिन मैंने बताया, मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि राष्ट्रवाद के बारे में आपको क्या बताऊं, क्योंकि मैं देख रहा था कि हमारे भारत में अलग तरह से गढ़ी जा रही है, कई देशों में अलग तरह से राष्ट्रवाद गढ़ा जा रहा है, तो मैं मुझे मतलब निष्कर्ष तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, समझ रहे हैं। तो मतलब आप लोगों एक दो बार पढ़िए इस बुक्स को, आराम से समझ में आ जाएगा। और राष्ट्रवाद का अगर कोई आपसे एक शब्द में उत्तर पूछे, मतलब एक लाइन में, तो आप कह सकते हैं कि देश को केंद्र में रखते हुए काम करें, मतलब देश के हित में काम करें, जो भी करें देश के लिए करें, देश आपके लिए खुद से बढ़कर हो, परिवार से बढ़कर हो, यही एक तरह का राष्ट्रवाद हो जाता है। ठीक है कि आप उसके देश के मतलब कोई भी काम करेंगे तो देश को नुकसान करने के लिए नहीं करेंगे, यही तो राष्ट्रवाद है, समझ गए। अब बात करते हैं कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, मगर एक शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे, पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। सीधा सा कहने का मतलब है कि आप देखते होंगे कि पहले किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन हुआ करती थी और उनमें मतलब वो वर्ग कम ही था। आप समझ सकते हैं कि 100% जमीन में से 90% कुछ ही परसेंट लोगों के पास थी और बाकी जो थे या तो किराए से जमीन लेकर खेती किया करते थे, यही पहले व्याप्त था। एक बात और आपको बताऊं कि राष्ट्रवाद की देखिए परिभाषा हमेशा बदलती रहती है। आगे आप सोचिए कि कोई ऐसा देश हो जिसमें मतलब एक मतलब पोशाक बना दी जाए कि इसी को आपको पोशाक को मतलब भक्ति दिखानी इसी के प्रति और सबको यही पहनना है, इसी के प्रति वफादारी दिखानी है, समझ रहे हैं। कोई टोपी बना दी जाए तो ये भी तो एक राष्ट्रवाद का जरिया हो सकता है, समझ रहे हैं। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिकाव था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। सैमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग को उद्योगपतियों और व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच की राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। अब बात करते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, अगर आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग FBA मतलब फेसबुक पेज पर आप लोग लिख कर भेजिए, मेरी तरफ से जितना भी कोशिश हो सकी समझा दिया राष्ट्रवाद को। और बाकी आप लोग इतना याद रखिए, हो सकता है कि आपको भारत का मैं राष्ट्रवाद पढ़ लेंगे उसके बाद और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला चैप्टर देख लीजिए, उसके बाद आप लोग दूसरा चैप्टर पढ़ लेना, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग फेसबुक पेज पर आ सकते हैं, ठीक है, वहां बात कर सकते हैं। यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवादी से करीब से जुड़े थे। बात का मतलब होता है कोई, आप गांधीवादी कह देते हैं, मतलब वाद का मतलब होता है विचारधारा, ठीक है, गांधीवादी, उदारवादी, समाजवादी, आप समझ रहे हैं कि जो वाद शब्द आता है
वो विचारधारा को व्यक्त करता है। अब वो आज गांधीवादी बोलेंगे तो गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा की मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आजाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवादी एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद के उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। ये आप लोगों ने कई देशों में भी देखा है कि शुरू में उन्हीं लोगों को आप अधिकार दिया गया था वोट देने का जो या तो टैक्स देते थे या संपत्ति जिसके पास ज्यादा हो। जो निचले तबके के लोग थे ना, तो इन्हें अधिकार दिया गया था वोट देने का और ना ही महिलाओं को अधिकार दिया गया था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। इन्हें राजनीति में कोई, इन्हें निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाता था। केवल थोड़ी समय के लिए जिकोबिन, याद रखिए जिकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, यानी कि कहने का मतलब इसमें सबको शामिल किया गया था, इसमें किसी को भेदभाव नहीं किया गया था, लेकिन कुछ ही समय के लिए, थोड़ी समय के लिए चला। मगर नेपोलियन की सहायता पुनः सीमित अधिकार वापस आई, मताधिकार वापस आई, और उसने महिलाओं को वह अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं पतियों के अधीन कर दिया गया। आप समझिए कि महिलाओं की स्थिति आज से नहीं गिरी हुई है। आज भी आप देखते हैं कि बड़े बड़े घरों में, आप देखेंगे संपत्तिवान घरों में देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति वहां भी आपको देखने को गृह मिल सकती है, समझ रहे हैं। वहां भी अधिकार, अगर मतलब फैसला लेने की बात होगी तो वहां का मुखिया, मतलब आप समझ सकते हैं पितृसत्तात्मक एक समाज होता है जहाँ पुरुषों की ज्यादा चलती है, समझ रहे हैं। तो आज से नहीं व्याप्त है, ये शुरू से ही व्याप्त देखी गई समाज में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन ही माना जाता था, एक तरह से उनकी संपत्ति माना जाता था। इन्हें अगर उनने जो भी फैसला लिया उन्हीं इन्हें भी वही मान होगा। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों में समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए गए। एक बात और याद रखिए हमेशा कि कोई भी आपको अधिकार मिला हुआ है तो आपको लगता है कि फ्री फंड में मिल चुका है। इसके अतीत में जाकर जाकर झांक कर देखिए कितने लोगों का खून बहा, कितने लोगों ने भूख हड़ताल की, कितने लोगों ने आंदोलन किया, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, समझ रहे हैं। आप सोचिए कि आपको लोकपाल मिल गए हैं, ठीक है, आपको सूचना का अधिकार दे दिया गया है। इसके आंदोलनकारियों को तो देखिए, अन्ना हजारे साहब को आप अभी उदाहरण करंट में देख सकते हैं, क्योंकि उनने कितने बार लाठियां खाई, कितने बार ग्वालियां खाई, कितने बार मार खाई, आप समझ सकते हैं, तब जाके आपको लोकपाल मिला हुआ है। लेकिन वो कह देते हैं ना कि आसानी से मिली हुई चीज हम लोग भूल जाते हैं, अधिकार हम लोगों को मिले हुए हैं। आप समझ सकते हैं कितना मतलब संघर्ष किया गया तब जाके अधिकार मिले हुए मौलिक अधिकार, और आज हम लोग उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। आज हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम चुपचाप घर में बैठ जाते हैं, समझ। तो इसके बाद देखा कि आपने जो संपत्ति विहीन पुरुष थे, यानी कि जो निचले तबके के पास जिनके पास संपत्ति नहीं थी और महिलाएं थी जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, उन्होंने आंदोलन चलाए अपनी मांग के लिए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी कि आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतौल प्रणाली थी, यानी कि जो 39 राज्य थे इनकी अपनी अपनी मुद्रा थी, अपनी अपनी करेंसी थी और अपनी अपनी नापने तौलने की प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग में से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी की 11 सीमा शुल्क नागरिकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या फिर आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतौल व्यवस्था थी,
अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एली था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेन्य में ही आपका 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में देखेंगे तो 66.65 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में देखेंगे तो आप 53.5 सेंटीमीटर है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप देखिए, ठीक है, हमारे यहाँ देखिए अभी करंट में यानी कि अगस्त में बैठे हुए 2020 में आपके देश में अभी 28 राज्य हैं, 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। मान लीजिए कि 28 राज्य हैं, इन्हें मतलब अलग अलग करेंसी हो इनकी, अलग अलग मुद्रा हो इनकी, कहने का मतलब, ठीक है। और आप सोचिए कि एक दूसरे से, मतलब आपको अगर उत्तर प्रदेश क्रॉस करना है, पंजाब में जाना है, तो पंजाब की ड्यूटी वहां अलग आपसे चार्ज लिया जाए सीमा शुल्क, ठीक है। आपको बिहार जाना है तो वहां अलग सीमा शुल्क लिया जाए। तो अगर एक व्यापारी को, मान लीजिए अगर उसे खरीदना है या कोई सामान बेचने जाना है, तो उसे कई क्षेत्रों में आप सोचिए कि टैक्स देना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। दो कहेंगे कि और ये भी व्यवस्था देखी जाएगी कि अलग अलग मुद्रा होगी तो उसमें भी परेशानी होगी कि किस तरह से एडजस्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात, नाप तौल की इकाई अलग होगी। तो मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आपको जाना है बिहार में बेचने जा रहे हैं कुछ सामान, तो मालूम चला कि उत्तर प्रदेश में आपका 500 ग्राम में 1 किलो है और बिहार में आप जाएंगे तो 1000 ग्राम में 1 किलो देखा जा रहा है, तो आप किससे एडजस्ट कर पाएंगे इसे। मालूम चला कि 20 रुपया किलो आपने गुड़ लिया उत्तर प्रदेश में और वहां आपको मिल गया 500 ग्राम, और आप बिहार में गए तो वहां 1000 ग्राम बेचा, वहां आपने देखा कि 20-25 रुपया किलो मिल रहा है, दूसरी करेंसी है, तो आप किस तरह से एडजस्ट कर पाएंगे। तो एक मतलब लंबा समय लगता था इसको देखने के लिए। एक समय आपने देखा होगा कि बैंकों में आप देखते थे लिखा पड़ा पड़ी का काम पूरा रजिस्टर पर होता था, तो आप जाते थे तो आपने 500 निकाले, उसके नीचे लिख देते 500। इस तरह से आप सोचिए कि दिन में पूरा जो लेखा जोखा होता था वो बड़ा मतलब लंबा समय लगता होगा। आज आप देखते हैं कि बैंक में जाएंगे 50,000, 5 करोड़ जितना भी आपको लेन देन करना है 2 मिनट में आपके पैसे गिन के सामने आ जाएंगे, आप लोग कर सकते हैं, समझ। ये सुविधा आप लोग सोचिए कि उस समय नहीं थी। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था कि जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो, यानी कि आप कहीं भी जाए, कोई भी सामान बेचे, कोई भी माप तोल की हुई एक कॉमन इकाई हो, कम से कम जाने में परेशानी तो ना हो, व्यापार करने में परेशानी तो ना हो, इसके लिए एक कॉमन मतलब मुद्रा हो, कॉमन एक किलो मतलब इस तरह का कोई बांट हो, आप समझ रहे हैं कि वह चाहे फिर आपका किसी भी देश में हो, वो किसी भी देश में आप जा रहे हैं तो वहां भी उतना ही वजन होना चाहिए। इसकी मांग उठ रही थी। आप अगर किसी देश से, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, एक संघ से दूसरे संघ में जा रहे हैं आप लोग काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो आपसे अलग अलग टैक्स ना लिया जाए, एक जगह टैक्स ले लिया जाए, समझ रहे हैं, पूरी आपको फ्री आवागमन हो। 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉल वेराइन स्थापित किया गया जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी जो उससे पहले 30 से ऊपर होती थी। आप समझ सकते हैं अब काफी हद तक सहूलियत हुई कि जो शुल्क अलग अलग लिया जाता था इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। कितनी? 2। पहले कितनी? 30 प्रकार की हुआ करती थी, अब 2 प्रकार की। इसके अलावा रेलवे के जाल से गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापारिक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। आज आप देखते हैं हमारे देश की करेंसी रुपया है, अन्य देशों की आप देखते हैं कि उनकी भी अपनी अपनी करेंसी, हर देश की आप देख सकते हैं, लेकिन हम लोग व्यापार करना है हमें तो किस करेंसी में करते हैं। आपने देखा है डॉलर एक मतलब एक कॉमन करेंसी है, इस तरह से आपने देखा हार्ड करेंसी, इस तरह से वो करेंसी होती है जिनका आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। अभी जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है आपका एन हो गया, फिर चाहे आपकी डॉलर हो गया, एफडीए, एफडीआर एक स्पेशल करेंसी है, इस तरह की कॉमन करेंसी रख दी गई है कि इन्हें में व्यापार होगा। डॉलर को कुछ ज्यादा ही महत्व दिया जाता है। आप सुनते हैं कि सुना होगा आपने अमेरिकी करेंसी है डॉलर, ठीक। आप सुने होंगे कि इतने बैरल का इतना कच्चा तेल मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि डॉलर का उपयोग हर जगह किया जा रहा है व्यापार में। डॉलर एक कॉमन मतलब मुद्रा बन चुकी है पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे मतलब सभी देशों के लिए, ठीक है।
या कुछ पॉइंट दिए गए हैं इन्हें भी देख लेते हैं। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली है। सोचने लगे, वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। जर्मन के ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रीडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा है कि जॉल वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से है उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ावा बढ़ाकर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन में लोग यह समझ गए कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावना के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं कभी भी आप लोगों को कहीं समस्या आ रही हो किसी भी क्षेत्र में, तो एक काम आप लोग कर सकते हैं, उस समस्या आप में अपने आप को रख लिया करिए। अब आपने देखा है कि हम लोग यूरोप के देशों में देख रहे हैं कि अलग अलग प्रणाली है, यहाँ मापतौल की अलग मुद्रा है, अलग अलग शुल्क लिया जा रहा है, सीमा शुल्क, तो इसे हम लोगों ने अपने राज्यों में रख के देख लिया, तो आप लोगों को बेहतर समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। समझ रहे हैं कि हमारे ही देश में, आप समझिए कि हर देश हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग तरह की सब काम होते, मुद्रा हो गई फिर चाहे अलग, तो हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर पाता, इन्हीं लफड़ों में जकड़ा रहता। समझ रहे हैं। फिर आपका 1815 की बात का एक नया रूढ़ीवादी रूढ़ीवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़ीवाद की भावनाओं से प्रेरित थी। रूढ़ीवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित परंपराएं, संस्थाएं, पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर वो रूढ़ीवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, भेदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते थे। यहाँ आप लोगों ने एक शब्द देखा है रूढ़ीवादी, इसका मतलब होता है कि ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है, तेज बदलाव का की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। अभी भी आप लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ भी लोग रूढ़ीवादी लोग देखे जाते हैं जो पुरानी परंपराओं को ज्यादा कुछ मान्यता देते हैं। समझ रहे हैं। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरिक ने की थी। इस बात को याद रखना, वियना में जो सम्मेलन हुआ था इसकी जो मेजबानी थी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरिक ने की थी। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि, ट्रेटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्ध के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बोर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पीडमोंट में जेनोवा जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सबका उद्देश्य उस राजतंत्र की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया, साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़ीवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। याद रखिए जो नेपोलियन के समय सुधार हुआ था, जो भी मतलब उस तरह की व्यवस्थाएं थी उन्हें मतलब खत्म कर दिया गया और अपनी तरफ से वियना सम्मेलन में कुछ नए क्षेत्र जोड़े गए अलग अलग से। ठीक, 1815 में स्थापित रूढ़ीवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी, वे आलोचना व असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी।
उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाए गए एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आजादी। आप लोग निरंकुश का मैं पहले भी बता चुका हूँ, सीधा सरल मतलब है कि इस पर किसी का अंकुश नहीं होता है। ये मतलब अपने मतलब के लिए किसी की जान भी ले सकता है, किसी को मार भी सकता है, कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है। इन्हीं लोगों को निरंकुशवादी शासक कहते हैं। इसे भी देख लीजिए, पिक्चर्स देख रही है आपको स्क्रीन पर। चिंतकों का किला 1820 के आसपास बनाया गया एक आनाम व्यंग चित्र है। बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है कि आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। दाईं तरफ पर क्लब के नियमों की सूची है जिनमें निम्नलिखित शामिल है। इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम खामोशी। ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब हम इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, सदस्यों को प्रवेश करने पर मोह बंद करने रखने वाली मोहरें बांटी जाएंगी। ये नियम हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं क्रांतिकारी। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रचार करने के लिए गुप्त संगठन उभर कर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वेना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आजादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। जो आपने देखा है वेना के बाद जो भी संगठन, जो भी जिस तरह से व्यवस्था बनाई गई उसका विरोध करना इनका मुख्य उद्देश्य था। किनका? क्रांतिकारियों का। ऐसा ही एक वह व्यक्ति था, इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेपी मित्सिनी। उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा वर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मित्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्य की प्राप्ति की इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखरेखी जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मित्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से, यानी कि अपने सपने से मित्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया और मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। याद रखिए, जो भी इस तरह के आप समझ सकते हैं कि जो राजतंत्र बना हुआ था बेना संधि के बाद, उसके बाद आप देखते हैं इसका मेन उद्देश्य था कि जनता को भागीदार किया जाए, यानी कि प्रजा का शासन हो, प्रजातंत्र हो, समझ रहे हैं? इन्हीं को मतलब इसी तरह की सुधार करना इसका मेन उद्देश्य था। ये आप देख रहे होंगे एक चित्र आपको, ज्यूसेपी मित्सिनी और वर्न 1833 में यंग यूरोप की स्थापना की गियाकोमो मांते गालिया का चित्र है आपका। आपको लगता होगा स्वतंत्रता इतनी आसानी से मिल गई है, वही तो मैं बता रहा हूँ कि कभी अपने इतिहास में जाकर देखिए। इस स्वतंत्रता के लिए आज हम लोग जो बैठ के खा रहे हैं, बैठ के बोल रहे हैं, अपना काम जो मन में आता है वो कर रहे हैं, अगर देश के खिलाफ भी कुछ लिखना है तो लिख दे रहे हैं, इसके लिए कितनी बलिदानी दी गई, कितने लोगों की जान गई, कितने लोग आप सोचिए कि घर बेघर हुए, आप समझ सकते हैं बेहतर। आप लोग जाइए इतिहास में देखिए, 13 साल की उम्र में बच्चों ने मतलब अपनी जान दे दी। आप सोचिए कई ऐसे आपको हमारे यहाँ के राजनेता मिलेंगे, हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे क्रांतिकारी मिलेंगे, समझ रहे हैं, जो अपनी बिना जान की परवाह किए हुए
लड़ गए देश से, समझ रहे हैं, अपनी आजादी के लिए। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति ने क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसी ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इसमें आपके प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्यिक व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे इसमें। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बोर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका था। उनकी जगह एक संविधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है। ये आप सोचिए कि ये शब्द अमेरिका को भी हम लोग कुछ दिन तक मतलब यूज करते थे कि जब सर्दी अमेरिका को होती है तो बाकी देशों में फैल जाती है, मतलब इतना शक्तिशाली अमेरिका हुआ करता था एक समय। अभी आप समझ रहे हैं क्या स्थिति हो चुकी है, आप खुद जानते हैं। अफगानिस्तान में आपने देखा है किस तरह से घुटने टेक दिए, समझ रहे हैं, पूरी समस्या भी खत्म नहीं हुई है और अमेरिका वहां से निकल गया। तो एक समय जो पावर थी वो अब आप खत्म होती दिख रही है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गए। एक घटना जिसने पूरे यूरोप को शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूरान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्र की प्रगति से यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष 1821 में प्रारंभ हुआ और यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्धों में लड़ने भी गए जहां 1824 में बुखार में उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुनुतनिया की संधि से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई है। ये भी आप लोग देखते हैं, आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, कभी आपने देखा होगा कि आप लोगों को अगर आपके गांव से कोई बच्चा सिविल सर्विस में हो जाता है या किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट हो जाता है तो आप लोग भी सोचने लगते हैं, आप भी सपने देखने लगते हैं। तो यही होता था पहले भी कि कोई एक राज्य अगर स्वतंत्र हो गया संघर्ष करके तो बाकी राज्य जो गुलाम थे उनके मन में भी, राष्ट्रों के मन में भी भावना पैदा हो जाती थी कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? तो यही देखा गया, समझ में आया। अब बात करते हैं रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया है। आइए हम रोमानीवाद को देखें जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की, उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर भी दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। इस चित्र को आप लोग देख रहे होंगे, यूजीन डेलाक्रूज द मासेकर एट कियोस 1824 का है। फ्रांसीसी चित्रकार डेलाक्रूज सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से एक थे। एक यह विशाल चित्र 4.19 मीटर इंटू 3.54 मीटर मतलब बना हुआ था, ये इसकी साइज थी। एक घटना को चित्रित करता है जिसमें क्योस द्वीप पर कहा जाता है कि तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला और डेलाक्रूज ने घटना नाटकीय बना दीकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु मानते हुए चटक रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावनाएं उभार करके यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की। यह भी देखा जाता था, हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ कई जगह, आपने देखा है कोई घटना घटी
तो हम लोग क्या करते थे कि उनकी मतलब बातों को बड़ा चढ़ा देते थे। आपने सुना होगा अशोक की, हम लोगों ने बायोग्राफी कवर की हुई है। आप सोचिए, कहा जाता है कि अशोक बहुत मतलब निर्दयी था, कुर था, आप सब समझ सकते हैं, मतलब बहुत बुरा आदमी था पहले दिखाया गया है। लेकिन कहा जाता है कि बौद्ध धर्म जब उसने ग्रहण किया, उसके बाद वो मतलब आप समझ सकते हैं अहिंसा की नीति पर चला, वो अच्छा आदमी बना। इससे क्या होता है कि बौद्ध धर्म बड़ा चढ़ा कर दिखाना बुद्ध धर्म को ऊपर उठा देता है कि नहीं, कि मतलब अच्छा इतना अच्छा धर्म है बुद्ध धर्म की, किसी को बदल देता है, किसी को अच्छा बना देता है। तो यही होता है कि जब किसी घटना के प्रति हम लोग इस तरह से जो भावनाएं मतलब उसमें कर देते हैं कि सभी ही उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं, वो कहते हैं काश अच्छा है, ऐसा हुआ था, समझ रहे हैं। अब आप सोचते हैं कि हमारे देश में भी आप देख लीजिए, कभी पाकिस्तान हमारे किसी सैनिक को मार देता है तो उसके प्रति हमारी मीडिया इस तरह से बता देती है कि ऐसा किया, तो हमारे देश में आप देखते हैं कि भावनाएं भटक उठती हैं और हम कहते हैं कि वे हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, समझ रहे हैं। तो यही होता है, तो यही चित्रकारों ने किया कि भड़के मतलब आगे मतलब भावनाएं और आंदोलन में तब्दील हो, जनता जागरूक हुए एक तरह से, समझ रहे हैं, सहानुभूति मिले। नेता नहीं करते हैं, आप अभी भी देखते हैं नेता करते हैं कई सहानुभूति उठाने के लिए, कई इस तरह के नाटक करते रहते हैं, उस समय अलग बात होती थी। मैंने बताया ना कि पहले के नेताओं से आज के नेताओं की हम तुलना नहीं कर सकते हैं, अगर तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि हम उस समय के नेताओं की बेइज्जती कर रहे हैं, इस समय के नेता अलग हैं। आप समझिए, मुझे लगता है कि आप व्यापार अपना मतलब धंधा चला रहे हैं लोग, कि अपना मतलब हम लोग जिस तरह से नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, अच्छा भला जो भी काम करते हैं कमाने खाने के लिए, ये भी अपना काम ही चला रहे हैं, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं रहता है अधिकतर नेताओं को, ठीक है, हकीकत कुछ और रहती है, आप समझदार हैं इतना। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रिड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी, राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य, लोक नेत्रों से प्रकट होती थी, इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूप को एकत्रित और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल, स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनसे अधिकांश निरक्षर थे, यह खासतौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखनी थी। मसलन केरोल कुर्पस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलिनेस और मजूरका जैसे लोक नेताओं को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल कर दिया। यहां मैं एक बात और बोलूंगा, एक बार जब हम लोग भारत में राष्ट्रवाद की बात कर लेंगे सेकेंड चैप्टर की, तो एक बार आपको उस चैप्टर को देख लेना है, उसके बाद दोबारा इस चैप्टर को देख लेना, मुझे लगता है कि बेहतर समझ में आ पाएगा। जब हम लोग एक बार भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लेंगे पूरा, उसके बाद आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि देखिए, हर उस समय हमारे यहाँ भी देख सकते हैं, उस समय वहां भी देख सकते हैं, कम पढ़े लिखे थे, यानी कि निरक्षर लोग थे, कम पढ़े लिखे, कम जागरूक लोग, तो उन्हें जगाने के लिए लोक साहित्य, इस तरह के कला, आप गीत, इन सभी का सहारा ले लिया गया जागरूक करने के लिए, समझ रहे। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक अधिकार बनाया। चर्च के आयोजनों, संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिस्पों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषी भाषा रूस के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। हमारे देश में भी कहा जाता है कि जब इंग्लिश हमारे यहाँ बोली जाने लगी, हर कोई इंग्लिश से परिचित हो गया, तो इंग्लिश ने भी हमारे यहाँ के राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। क्या होता था कि आप समझते हैं, दक्षिण भारत जैसे तमिल देश राज्य को ले लीजिए, वहां क्या बोली जाती है, तमिलनाडु को तमिल बोली जाती है, ठीक। हमारे बाकी देशों में आप देखेंगे, उत्तरी भारत में देखेंगे तो यहाँ हिंदी बोली जाती है,
आप समझिए कि अब उत्तरी भारत के लोग दक्षिणी लोगों की भावनाओं नहीं समझ सकते उनकी बात को। तो अंग्रेजी ने क्या किया कि कॉमन मतलब सबकी भावनाओं को, सबकी बातों को समझने का काम किया, तो इससे भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। और यही यहाँ भी हो रहा था कि जो रूसी भाषा थी इसे लोग कम ही जानते होंगे, समझ रहे हैं, तो सब लोग जुड़ भी नहीं पा रहे थे, एक दूसरे की बातों को भी नहीं समझ पा रहे थे। अब आप सोचिए स्वतंत्रता का कई लोग मतलब ही नहीं जान पा रहे होंगे, तो एक लोकल भाषा मतलब एक कॉमन भाषा हो जिसे सब कोई समझ रहा हो, तो वही किया गया यहाँ भी। यहाँ एक ग्रिम बंधुओं की कहानी, लोक कथाएं और राष्ट्र निर्माण। ग्रिम्स फेरी टेल्स एक जाना माना नाम है। जैकब ग्रिम और बिलहेल्म ग्रिम बंधुओं का जन्म क्रमशः 1850 सॉरी 1785 और 1786 में हुआ। कहाँ हुआ था? जर्मनी के हनाऊ शहर में हुआ था। जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वे 6 साल तक गांव गांव जाकर यही काम करते थे। वे लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी लोक कथा उनकी जानकारियों में आती उसे लिखकर रख लेते थे। ये कहानियां बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी। 1812 में उन्होंने इन कहानियों को पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। फ्रेंस का स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित किया। ग्रिम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। उनको विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की हैं वे विशुद्ध और सच्ची जर्मनी भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं। लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के अपने प्रयासों को वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा भी मानते थे। उदारवाद का मतलब ये होता है, आप मैंने बताया ना कि वादी मतलब वादी या वाद, ये किसी विचारधारा को व्यक्त करते हैं। उदार मतलब आप समझ रहे हैं कि एक मतलब इसमें हिंसा का रूप ना ले लेना पड़े, एक मतलब बड़े अच्छे तरह से उदार। आप भी अपने देश में देखते थे उदारवादी आंदोलन हुए, इसमें आप हाथ जोड़ के प्रार्थना पत्र लिखकर सुधार की बात करते थे। पर आपने उग्रवादी संगठन देखे, इसमें गोली बंदूकों सबका सहारा लिया जाता था, समझ रहे हैं, उसी की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि देखी गई, यानी कि बढ़ोतरी देखी गई। ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी, जो आप भारत में आजकल देख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग से ज्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था, केवल आंतरिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले थे, तले दबे थे। खाने पीने की चीजों के मूल्य बढ़ने या फिर किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल गई थी। एक बात बताऊं आप लोगों को, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो सेकंड चैप्टर है भारत का राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, उसे आप लोग देख लें तो मुझे लगता है कि आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। पहले उसे देखें, एक बार इसे देख लें, उसके बाद फिर उसे, फिर इसे देख लें, क्योंकि आपने देखा है जो भी यूरोप में घटनाएं घटी हैं उसी से कुछ घटनाएं मिली जुली आपके देश में देखी जाती है। अभी आप देखिए मुंबई की बस्तियों का हाल आप देख सकते हैं कि जो शहरों से आप देखते हैं शहरों की तरफ ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जाते हैं, किस तरह से वहां बस्तियों में रहते हैं, समझ रहे हैं, वही बात की जा रही है। तो उसे एक बार देख लें, यूरोप में भी यही देखा जा रहा था। और याद रखिए जब कोई भी मशीन की बात की जाती है तो आप समझिए कि आप कोई टी शर्ट बना रहे हैं, मान लीजिए आप एक शॉल बना रहे हैं, तो आप अपने यहाँ कारीगर लगा के बनाते हैं, मतलब हाथ से सिल के बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 2 से 3 दिन एक शॉल बनाने में आपको लगेगा। वहीं आप ले लीजिए मशीनों को, तो मशीनों से हो सकता है कि 1 घंटे में आप
आराम से 2-4 साल आराम से बना सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, आप 3 दिन में एक बना पा रहे हैं और सामने मशीन जो है वो 1 दिन में हजारों सॉल्व बना देती है, तो क्या आप उनसे प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे? कभी नहीं। ये वैसा ही हाल है कि आप कहिए कि एक बस्ती में पढ़ने वाला है सरकारी स्कूल में जिसमें बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है, और एक लड़का VIP स्कूलों में प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है जहाँ बेहतर शिक्षा दी जाती है, व्यवस्था है, आप दोनों की कॉम्पिटिशन की बात कभी नहीं कह सकते, समझ रहे? हो सकता है ऐसा करिए कि दोनों को बराबर स्थिति में लेकर आइए, फिर आप प्रतिस्पर्धा की बात कर सकते हैं, समझ रहे? यही है। इस चित्र आप देख रहे होंगे कृषक विद्रोह है 1848 में। हमारे देश में भी काफी कृषक यानी किसान विद्रोह देखे गए, उनके बारे में इतिहास में हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है? भारत में 1848 ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह पर अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया, काम के अधिकार की गारंटी भी दी गई, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने की स्थापना की गई, और इससे पहले 1845 में सिलिसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे और परंतु दाम बहुत कम देते थे। पत्रकार विलहम बोल्फ ने सिलिसिया के एक गांव की घटनाएं एक प्रकार बयान की है। सीधा सा मतलब है कि ऐसी बात की जा रही कि जो निचले के तबके चाहते थे, जो लोग मतलब किसान चाहते थे, वही देने की बात की गई। इन गांव में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनकर व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिक यानी कि जो काम करने वाले हैं इनका हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी है, यानी कि जो कच्चा माल खरीद रहे थे उसे कम कर दिया है। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदारों की कोठी पहुंची। वे ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। कौन? किसान। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गईं। और इसके बाद यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीजें तोड़ी गई। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूट कर उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव से शरण देने से इनकार कर दिया। वह 24 घंटे के बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मारकर मार दी गई। एक सेम आप लोग घटना आपने अगर भारत का इतिहास पढ़ा है तो आपने अपने भारत में भी इसी तरह की घटनाएं देखी है। और याद रखिए, जब आंदोलन होता है तो कभी ये नहीं देखा जाता है कि कौन मर रहा है, क्या हो रहा है, और कभी भीड़, कभी आप सोचिए कि अगर आंदोलन का रूप ले ले तो वो रुकती भी नहीं है जब तक कि उसका मंजिल ना मिल जाए या बुरी तरह से मतलब टूट ना जाए। तो यही देखा गया। आपको आवाज आ रही होगी बैकग्राउंड में, यहाँ मंदिर पर कुछ चल रहा है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिए, ठीक है? 1848 में उदारवादियों की क्रांति देखते हैं। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे तो तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्ग की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्विक मताधिकार पर आधारित थी। यूरोप के अन्य भागों में जहाँ अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी हो गया, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़कर दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी और जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित थी। सभी का उद्देश्य एक ही था कि हमें पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, हमें आजादी मिलनी चाहिए, हमारे हित में अगर कोई बोल रहा है तो उसे बोलने दीजिए, समझ रहे हैं?
राजतंत्र अब नहीं चलेगा, राजाओं का शासन अब नहीं चलेगा, जनता को भागीदारी की जानी चाहिए, यही सभी मांगें थी इनकी। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्वसम जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया और 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलहम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं को साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था जिन्होंने मजदूरों कारीगरों की मांगों का विरोध किया जिससे भी उनका समर्थन खो बैठी। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई। इसमें क्या हुआ कि आप देखते होंगे कि जनता ने चुना, किसी प्रतिनिधि को चुना, प्रतिनिधि मिलकर एक काम करना चाह रहे थे कि कोई मतलब ऐसा राजा बने जो मतलब उनके अंडर में रहे, ऐसा ना रहे कि निरंकुश शासक बन जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं रहे। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा भी विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों में से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए और अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की, यानी कि महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए बराबर संघर्ष कर रही थी। इसके बावजूद इन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया, यानी कि इन्हें शामिल नहीं किया गया उसमें वोट देने के लिए। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई तब भी महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया, यानी कि इन्हें देखने का अधिकार दिया गया, कोई फैसला लेने का अधिकारों में शामिल नहीं किया गया। नारीवाद, ये भी आप लोग अक्सर शब्द सुनते रहते हैं। नारीवाद स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध, यानी कि महिलाओं के हितों और अधिकारों की बात करना, उनकी मतलब एकता नारीवाद होता है। एक जो लास्ट का शब्द है हमेशा याद रखिए, वाद मतलब एक विचारधारा और नारी मतलब नारियों के हितों में जो विचारधारा है उसका साथ देना। ठीक, या कुछ आपका पॉइंट दिया गया है इसी पैराग्राफ को देख लीजिए। स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था? उदारवादी राजनीतिक कार्ल वेलकर ने, जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, इन्होंने क्या विचार व्यक्त किया इसे पढ़िए। प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। पुरुष जो ज्यादा ताकतवर है, दोनों में से ज्यादा निर्भीक और मुक्त है, उसे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बनाया गया। वह कानून उत्पादन तथा प्रति रक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए है। महिला जो कमजोर निर्भर और दब्बू है, उसे पुरुषों की सुरक्षा की आवश्यकता है। उसका क्षेत्र घर, बच्चों की देखभाल और परिवार का पालन पोषण है। आप समझ सकते हैं कि जो जनता चुन रही है, जो प्रतिनिधि है, वो भी इस तरह की बात कर रहा है कि महिलाएं कमजोर हैं। आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या होगी उस समय। क्या हमें कोई और प्रमाण चाहिए इन भेदों के बारे में? लिंगों में बराबरी केवल परिवारों के मेल मिलाप और गरिमा को खतरे में डाल देगी। लुइजे ऑटो पीटर्स 1819 से 95 तक 1895 तक रहते हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की। उसने अखबार 21 अप्रैल 1849 के प्रथम अंक में निम्नलिखित संपादकीय छापा, आइए हमें यह पूछें कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीरे मरने के विचारों से ओतप्रोत हैं, सभी लोगों सभी इंसानों की आबादी के लिए तैयार होंगे। जब उसने उनसे यह प्रश्न पूछा जाएगा तो बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ, हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आदि मानव जाति के फायदे के लिए थे, यानी पुरुषों के लिए, मगर स्वतंत्रता को तो अविभाज्य, अतः स्वतंत्र पुरुषों को परतंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। आपने शुरू में देखा होगा, एक चित्र देखा था जो महिला थी वो स्वतंत्रता का, आपने देखा होगा हाथ में वो लिए हुए थे चित्र। महिला को इसलिए चुना गया था क्योंकि महिला को अधिकार देने का मतलब ये था समाज के सभी वर्गों को अधिकार मिल जाना। उसी अखबार के एक आनाम पाठक ने 25 जून 1850 को
संपादक को निम्नलिखित पत्र भेजा, महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेतुका और अविवेकपूर्ण है, जबकि उन्हें संपत्ति का अधिकार है जिसका भी इस्तेमाल करती हैं, वे जिम्मेदारियां भी उठाती हैं, हालांकि उन्हें लाभ ना नहीं मिलते जो उसी के लिए पुरुषों को मिलते हैं। यह अन्याय क्यों? क्या यह लज्जा की बात नहीं है कि सबसे मूर्ख मवेशी पालक को मत देने का अधिकार सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह एक पुरुष है, जबकि अत्यंत काबिल महिलाओं को जो काफी संपत्ति की मालकिन होती हैं इसी हक से वंचित रखा जाता है, यद्यपि वे राज्य के रख रखाव में इतना ज्यादा योगदान देती हैं। एक बात और हमेशा रखिए, आप भी समझ सकते हैं, अगर आप इस पर भी विचार करें तो आप भी समझेंगे किस तरह का समाज था उस समय, कि आज आप समझेंगे कि महिलाओं को आज भी भेदभाव देखने को मिलता है, लेकिन काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है। महिलाएं, आप सोचिए, बिना महिलाओं के क्या पुरुष का कोई अस्तित्व है? नहीं, आप कह सकते हैं कि एक रथ का दोनों पहिया है, उतना ही योगदान महिला का भी है उतना ही पुरुषों का है, लेकिन मतलब समाज में इस तरह की रूढ़िवादी गढ़ दी गई थी कि महिलाएं कमजोर होती हैं, एक घर के काम के लिए बनी हुई हैं, समझ रहे हैं? आज तो आप देखिए दुनिया में महिलाएं कहाँ पहुंच चुकी हैं, पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं, तो उस समय की ये बात है। ये आप देख रहे हैं सेंट पॉल की चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद, समकालीन रंगीन चित्र, ऊपर भाई दीर्घा में महिलाएं बैठी हुई हैं, ये है पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायत देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भू दास दासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की गई, हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का सत्ता ही साफ हुआ। और देखिए मतलब ऐसे एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब कोई आंदोलन बढ़ चढ़ कर बोलने लगे, उसे कम करने के लिए, उसे शांत करने के लिए कुछ आप छूट देने, कुछ उनके अधिकारों को मान लें, उनकी जो भी मांगे हैं उनमें से कुछ स्वीकार कर लें, तो यही इन्होंने इस समय भी हुआ। विचारधारा, ये भी आप कहते हैं गांधीवादी विचारधारा, नेहरूवादी विचारधारा, कट्टरवादी विचारधारा, तो आखिर विचारधारा होती क्या है? एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह होता है, इससे जो लोग जुड़ जाते हैं वही विचारधारा एक को मानकर ही चलते हैं। ठीक है, विचारधारा मतलब किसी एक विचार, गांधी के रास्तों पर चलना, उनके विचारों पर चलना। अब चलते हैं हम लोग जर्मनी और इटली का निर्माण देखते हैं। जर्मन क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल किया। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा आपने देखा है कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास भी किया था, मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत से मिलकर दबा दी गई। यानी कि जो सुधार उदारवादी कर रहे थे उनकी जो भी सुधार कर रहे थे उन्हें शाही जो राजशाही यहाँ थे राजा थे और उनकी फौज ने यहाँ मिलकर उन्हें दबा दिया। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसका प्रमुख मंत्री ऑटो बॉन बिस्मार्क प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने से 3 युद्धों में प्रसा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया।
18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जन्म राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रशासन के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साई की महल के बेहद ठंडे से महल हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। सभा में प्रशासन के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। जर्मनी में राष्ट्रीय निर्माण प्रक्रिया ने प्रशासन राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाया था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफी जोर भी दिया और प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम उसकी कार्रवाइयां बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बनी। ये आप देख रहे होंगे चित्र, ए ऑनटोन वॉन बर्नर की कृति है, वर्साई के हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन साम्राज्य की घोषणा। चित के बीच में फाइजर और प्रसियाई सेना के मुख्य कमांडर जनरल वॉन रोन खड़े हैं, उनके पास बिस्मार्क और इस विशाल कृति में आप देखेंगे 2.7 मीटर को चित्रकार ने 1885 में बिस्मार्क के 70वें जन्मदिन पर उन्हें भेंट किया था। आप चलते हैं इटली की तरफ। जर्मन की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। ये आप देख रहे हैं जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 तक। ये आप देख रहे हैं कि पूरा प्रशा नीले रंग में देख रहे हैं आप लोग, प्रशा 1866 से पहले की बात है, ठीक है। फिर आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ऑटो प्रशा युद्ध 1866 से पहले प्रशा द्वारा विजित इलाके थे। फिर आपको ये दिख रहा है ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य, ये जर्मन महासंघ से बेदखल ऑस्ट्रियाई भूभाग है, ठीक है। उसके बाद ये आप देखेंगे राज्य प्रशा में शामिल 1871 में की बात है, और ये आप देखेंगे कि फ्रांस प्रशा युद्ध में प्रशा द्वारा विजित इलाके हैं 1871। ये है आपका पूरा जर्मनी का एकीकरण करके, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, रूसी साम्राज्य, ठीक है। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक साइडिनिया पीडमोंट ने में एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रेलियाई हैब्सबर्गों के अधीन था, मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्रों में स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन थे। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था, अभी तक उसके विविध क्षेत्रों स्थानीय रूप मौजूद थे। इस चित्र को भी आप देख रहे होंगे, ब्रेंग चित्र, जर्मन राइक स्टेक संसद में ऑटो वॉन बिस्मार्क फिगारो से वेना में 5 मार्च 1870 का चित्र है। 1830 के दशक में जियोसेपे मित्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। कौन सा? यंग इटली। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी साइडिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय पर आ गई, यानी कि इसे सौंपी गई ये जिम्मेदारी। इस क्षेत्र में शासक अभिजात वर्ग के नजरों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया, ना तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषी से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से साइडिनिया पीडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे कावूर का हाथ था, से साइडिनिया पीडमोंट 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिकों के अलावा जियोसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशक्त स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था और 1860 में भी दक्षिणी इटली
और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में भी सफल रहे। 1861 में एमुनेल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया है, मगर इटली के अधिकांश निवासी जिनमें निरक्षरता की दर काफी ऊंची थी, यानी कि पढ़े लिखे कम थे, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे, यानी कि इससे परिचित नहीं थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबोल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था। वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर एमानुएल की पत्नी थी। अब चलते हैं बेटिन की अजीब दास्तान। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया था कि दिया है कि राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन का है। कहाँ से निकला है? ग्रेट ब्रिटेन से। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया। कैसी? एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी के पहले पहले बितानी राष्ट्र था ही नहीं। बितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निजातीय थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, यह वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल भी रहा। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इसमें इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद बेतानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक बेतानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीति संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथलिक कुलों ने जब भी अपने आजादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या फिर राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी, यानी कि प्रतिबंध था। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर भी किया गया। ये देखिए आप लोग, एकीकरण से पूर्व इटली के राज्य हैं 1858 से पहले के, स्विट्जरलैंड, सेवाई, लोम्बर्डी, पार्मा, मोडेना, टस्किनी, वेनेसिया, पेपल राज्य, सान मेरिनो, दोनों सिसिलियों का राजतंत्र। उसके बाद देखेंगे एकीकरण के बाद इटली का नक्शे में एकीकृत राज्यों के वर्षों को दर्शाया गया। ट्यूनिस, ये आपका 1858 के बाद का है, ठीक है। ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। निजातीय आखिर क्या होता है? एथनिक, एक साझा नस्ली जनजातीय या फिर सांस्कृतिक उद्गम या अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, उसे निजातीय कह देते हैं। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हस हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। कौन? आयरलैंड। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। बितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल दिया गया। बॉल्टन और उसके यूनाइटेड आयरिशमैन 1758 की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और एक नए बितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया और नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों बितानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गाओ गॉड सेव अवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया। और पुराने राष्ट्र इस संघ में सहयोगी के रूप में ही रह गए, पिछड़ गए। यहाँ कुछ आपके पॉइंट दिए गए हैं, इन बॉक्स दो को भी देख लेते हैं। ज्यूसेपी गैरिबाल्डी संभवतः इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर है।
उनका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था, और वह स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। 1833 में उनकी उसकी मुलाकात मैथसेनी से हुई। वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा था। 1834 में पीडमोंट के गणतंत्रीय विद्रोह में उसने भाग भी लिया। यह विद्रोह कुचल दिया गया और गैरिबोल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा, जहां वह 1848 तक निर्वासन में रहा और 1854 में उसने विक्टर एमिनुएल सेकंड का समर्थन किया, जो इतालवी राज्यों को एकीकृत करने का प्रयास कर रहा था। 1860 में गैरिबोल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ एक्सपेडिशन ऑफ द 1000 हजार लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में नए स्वयंसेवक जुड़ते चले गए और उनकी संख्या लगभग आपकी 30,000 तक पहुंच गई। वे रेड शर्ट्स के नाम से लोकप्रिय हुए, यही जो जुड़ते गए इसमें। 1867 में गैरिबोल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना पेपल राज्यों में से लड़ने रोम गई, जो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। वहां एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। रेड शर्ट फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए, और 1870 में जब प्रशासित युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए, तब जाकर पेपल राज्य अंततः इटली में सम्मिलित हुआ, और इसका यही इटली का एकीकरण बना। ये चित्र देख रहे होंगे आपको, गैरिबोल्डी साइडिनिया पेडमोंट के राजा विक्टर एम्यूनुएल सेकंड को इटली नामक बूट जूता पहनने में मदद करते हुए। 1859 का अंग्रेजी बैंक चित्र है ये। अब चलते हम लोग आगे, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। राष्ट्र की दृश्य कल्पना, किसी शासक को एक चित्र या फिर मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया कि जैसे कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रों को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। आप भी जानते हैं कि हमारे देश में जब भी आप चित्र कहीं देखते हैं तो भारत माता, भारत पुरुष नहीं बोला जाता है, भारत माता। मुझे लगता है कि जहां तक मैंने पढ़ा है, इसलिए इस तरह के शब्द गढ़े गए कि मतलब महिलाओं को बढ़ावा मिले, एक तरह से जागरूक हो महिलाएं, इसीलिए इस तरह की मतलब चित्र बनाए गए, इसी तरह की छवि गढ़ी गई इनकी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत बुरी हालत इनकी रही है पहले के समय में। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या फिर टूटी जंजीर है, और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिससे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वह तराजू लिए हुए है। आप सोचिए टूटी जंजीर का मतलब क्या है, आपको मुक्ति मिल गई, समझ रहे हैं आप लोग? एक चित्र आपको दिख रहा होगा, 1850 का डाक टिकट है। इसमें मारी आन की तस्वीर बनाई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। इसी प्रकार नारी रूपों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में भी किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारी आन दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया, और उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा, कलगी। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादम्य स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चासुप अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक होता था। देखिए, कोई भी चित्र बनाने का सीधा सा उद्देश्य रहता है कि उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, समझ रहे? अभी आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी आई हुई है, मतलब बहुत बुरी स्थिति की हुई है, इससे मतलब सभी देश प्रभावित हैं। आपने हमारे देश में एक कॉलर टून सुनी होगी, जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो उसमें एक कॉलर टून सुनाई देती है, मतलब कि ऐसा करिए वैसा करिए, लॉकडाउन चल रहा है या खुल गया है, क्या हो रहा है। तो इस किस लिए रखी गई? आप लोगों को जागरूक करने के लिए,
कि आप भूल ना जाए कि आप इस समय क्या समय चल रहा है, इसीलिए आप समझिए किया जाता है। समझ रहे हैं? ये चित्त आप देख रहे होंगे ऊपर, देखा है चित्त, जर्मेनिया चित्तकार फिलिप बेट वेट 1848 का। चित्तकार ने जर्मेनिया के इस चित्र को सूती झंडे पर बनाया, चूंकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था, तो जहां मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई हुई थी। एक और आप लोगों से एक मतलब विनम्र तरीके से चाहे विनती कर लीजिए, जो भी कहना हो आपको, अगर आपको लगता है कुछ गलत बताया है मैंने, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मतलब आपके लिए खोल रखा है कि आप अपना विस्तार से लिख सकते हैं। हम एक परिवार के तरह जुड़े हुए हैं इसमें, कोई आप लोग मतलब हम ना बड़े ना आप बड़े, बस सब लोग जुड़ के मित्र की तरह एक दूसरे की मदद करना हम लोग सभी का उद्देश्य है। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप भी नीचे अपना विस्तार से बता सकते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ठीक है। एक मतलब अच्छी दोस्त की तरह, फैमिली की तरह हम लोग जुड़े हुए। रूपक, यहाँ एक शब्द रूपक, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है, यानी कि दर्शाया जाता है। एक रूपकात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक, यानी कि एक प्रतीक के रूप में अर्थ निकल रहा हो और एक शब्दों में अर्थ निकल रहा हो। प्रतीकों के गुण की, प्रतीकों के अर्थ की बात करें तो गुण और महत्व, टूटी हुई बेड़ियां, आजादी मिलना, टूटी हुई बेड़ियां मतलब आपको आजादी मिल चुकी है। वाज छाप कवच, जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति, बलूत पत्तियों का मुकुट, बहादुरी का प्रतीक, तलवार मुकाबले की तैयारी, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाय, काला लाल और सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्य की ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया है, उगते सूर्य की किरणें, एक नए युग का सूतपात। ये कुछ आप ही समझ सकते हैं, ये आपको देख रहे होंगे। 18 चित्र, द फॉल ऑन जर्मेनिया, हताश जर्मेनिया, जूलियस ड्यूबर का 1855 का चित्र, 50 का तुल्य, हताश जर्मेनिया, ये आप देख रहे होंगे चित्र। जर्मेनिया गार्डन द राइन, राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया 1860 में चित्रकार लॉरेंज किला सेन को यह चित्र बनाने का काम सौंपा गया। जर्मेनिया की तलवार पर खुदा हुआ है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। आपको बताया ना कि शुरू में इसकी मतलब अधिक संदर्भ में देखा जाता था इसे, लेकिन अभी भी आप समझिए इसमें बदलाव होता रहेगा, आगे भी बदलाव हो सकता है, ठीक है। अब राष्ट्र सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों को की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। कैसी भौगोलिक भिन्नता थी और जातीय भी? इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटीनेग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर सिलाव पुकारा जाता था, यानी कि क्या नाम दिया गया था इस कॉमन, सिलाव। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई थी। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता भी मिली। एक के बाद उसने अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बाल्कन लोगों ने आजादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावे को राष्ट्रीयता का आधार दिया और उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे सभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया था।
अतः बालकन के क्षेत्र में विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से कोई आजादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपने पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बालकन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बालकन राज्य एक दूसरे से भारी हिस्सा करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद यानी कि होड़ लगाए रखा था। परिस्थितियां और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बालकन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा यानी कि लड़ाई थी। जिस तरह बालकन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑटो हंगरी की यह ताकत हर ताकत बालकन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इसमें इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ आपका 1914 से 1918 तक। एक समझिए आप लोग की एक समय जो अंग्रेजों की नीति थी कि मतलब विस्तारवादी नीति, आज वही नीति आपका चाइना भी अपना रहा है। चाइना भी चाहता है कि वो अधिक से अधिक क्षेत्रों पर विस्तार करे। आप समझ सकते हैं कि अभी जितने भी उसकी सीमा लगती है जितने भी देशों से, लगभग लगभग सभी देशों से आप मतलब विवाद चल रहा है उसका सीमा को लेकर। भूटान को आप देख सकते हैं कि मतलब जहां तक उसकी सीमा ही नहीं लगती उस क्षेत्र से भूटान के, उस क्षेत्र को भी बता दिया कि ये मेरा है। समझ रहे हैं चाइना का ये हाल है। ये हम देख सकते हैं चित्र 20 ब्रिटिश साम्राज्य का यश गान करता एक मानचित्र है। सबसे ऊपर फरिश्ते स्वतंत्रता का बैनर थामे दिखाई देते हैं। ए अग्रभाग में ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक बेतानिया विजय भाव के साथ भूमंडल के ऊपर बैठा है। उपनिवेशों को शेर, हाथी, वन आदिम समुदायों की छवियों के जरिए दर्शाया गया। दुनिया भर में प्रभुत्व की ब्रिटिश साम्राज्य राष्ट्रीय गौरव का विषय बताता है। ए दिख रहा है आपको चित्र। आज के अगर बात करें हम लोग तो ये हमारा यहाँ है भारत, इंडिया, ठीक है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका, ये आपका अफ्रीका, ये यूरोप है, ये पूरा एशिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। साम्राज्य से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविद्या की ओर ले गया। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशीकरण किया था साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। एक तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे, वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता को की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी थी। राष्ट्रवाद के ये यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, मगर यह विचार समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया। ये आपके इससे संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं जो पढ़ा है आपने उसी से संबंधित, और आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी है। एक बार फिर से मैं यही कहूंगा कि बहुत लंबी क्लास थी और आपको क्या करना है कि एक बार इसे देख लीजिए और समझ में आता है ठीक है, फिर दूसरे चैप्टर को आप देख लीजिए उसके बाद इसे देखिए, क्योंकि जब भारत के बारे में आप समझ चुके होंगे तो मुझे लगता है कि आप यूरोप में भी जो राष्ट्रीयवाद रहा है राष्ट्रवाद रहा है उसे भी आप लोग समझ जाएंगे। और याद रखिए कभी आपने सुना हो कि एनसीईआरटी किसी क्लास में पढ़ाई जाती हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। किसी भी सिविल सर्विस की कोचिंग कर रहे हो कहीं से भी, दिल्ली, बम्बई, कहीं से भी आप लोग, आप सोच लीजिए आपको एनसीईआरटी खुद पढ़नी पड़ती है, ठीक है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, हम ही आप लोग एक से दो बार पढ़ते हैं आराम से समझ में आ जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जितने अधिक से अधिक बार एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि यही मेन आधार है आपके, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर होता है। दूसरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे बहुत ही अच्छे से भारत में राष्ट्रवाद, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है।